Hello everyone. Today we will do of another poem of your English book named The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. So, students, there are two characters in this poem, the Duck and the Kangaroo. Through this poem, the poet is implicitly tried to teach us a very good life lesson. Though I repeat this, this is not a fable.

Then we don't need to worry. There is always a good in front of which needs. अगर बच्चों हम सच्चे हैं और नॉर्मल रहते हैं तो मुश्किलों के टाइम में then we don't need to worry. हमें मुश्किलों के टाइम में डरने की जरूरत नहीं है सब ठीक हो जाएगा क्योंकि आगे कोई ना कोई तो रास्ता होगा समझे बच्चों सो नाउ लेट्स द स्टार्ट पोएम सेट द to द कंगारू गुड ग्रेसियस हाव यू हॉप

प्रेज करता है मतलब उसकी बड़ाई करता है प्रशंसा करता है द डक इज फैसिनेटेड टू सी दंगारोज हो स्पेशली ओवर द फील्ड्स एंड वाटर जब बत्तख जो डक है वो कैंगारों को छलांग लगाते हुए देखती है खासकर तब जब खेतों के ऊपर से या नदियों के ऊपर से तो वो बहुत ज़्यादा उससे क्या होती है फैसिनेटेड होती है अट्रैक्ट होती है द डक कंपेयर्स द कैंगारोज लाइफ टू हिज डक है वो कंपेयर कंपेरिजन करती है कंगारूस की लाइफ से और अपनी लाइफ के बीच एंड थिंग्स और सोचती है दैट ही हैज़ अ बोरिंग लाइफ उसकी जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग है फोर्स टू लीव इन द पोन्ड किस में रह करके वो अपने लाइफ को क्या कहती है बोर बताती है बेकार बताती है क्योंकि वो उस पोन में रहने के लिए क्या होता है मजबूर होता है द डक लॉन्ग टू स्टे आउट इन टू द वर्ल्ड एंड गो अराउंड इट बट टू नो अवेय जो डक है वो चाहता है कि वो इस पौन से बाहर निकले और दुनिया को देखें लेकिन वो कुछ भी क्या है उसके लिए अवेयल है अवेयल है मतलब संभव नहीं है इम्पॉसिबल है ठीक है द डकूड ओनली विश एंड फैंसी दैट हैड ही हैड द एबिलिटी टू हॉप लाइफ वुड बी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग तब वो क्या करता है तब वो ये बताता है जो डक है वो इमेजिन करता है कि काश वो ऐसा सोचता है कि काश वो भी कैंगरू की तरह क्या होता हॉप करता उछल सकता तो उसकी जिंदगी एक क्या होती डिफरेंट होती और इंटरेस्टिंग होती बड़े ही मज़ेदार होती समझ आ गया नेक्स्ट स्टेंजा प्लीज गिव मी अ राइट ऑन योर बैग सैड द डक टू कंगारू I would sit a quiet still and say nothing but quack the whole of the long day through and wait, go to the tea and the jelly be low. Lee, over the land, over the sea, please take me a ride or do, said the duck to the kangaroo. In the second stanza, the duck thinks of a way to translate his boring life to something interesting. जो डक है वो अपनी इस बोरिंग लाइफ को बदलना चाहता है चेंज करना चाहता है थोड़ा कैसे बनाना चाहता है इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है ही आस्क द कंगारू टू गिव हिम अ राइड ऑन हिज बैक वो कंगारू से पूछता है कि क्या तुम अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे घुमा सकते हो द डक प्रोमिस द डक प्रोमिस द कैंगरू दैट ही वुड नॉट ट्रेवल हिम एंड नॉट टू सेनी थिंग एक्सेप्ट क्वैक वो कहता है मतलब जो डक है वो उससे क्या करता है प्रॉमिस करता है कि वो आ, क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा समझ में आ गया आप लोगों को द डक बिगन्स बिगन्स टू थिंक ऑफ द प्लेस प्लेसेस दे माइट गो टू ही थिंक दैट दी दे कुड गो टू द डी एंड द जेली बोली ऑल इमेजनरी प्लेसेस The duck would also then be free to go over the land and the sea. The duck almost pleads to the kangaroo that he might accept his. Oh अब जो जो डक होता है वो सोचने लगता है अपनी इमेजनरी कर सकता है कर, करने लगता है कि वो कहाँ जा सकता है वो सोचता है कि डी तथा जेली बी जेलीबोली जो कि एक जगह है वहाँ जा सकता है मतलब अभी आ, कैंगरों ने उसको बोला नहीं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं लेकिन वो अभी से सोच रहा है मतलब बता रहा है कि हम कहाँ जाएंगे डी जाएंगे और जो जेलीबोली है जो लेक है वहाँ पर जाएंगे जो एक जगह है जो कि कैसी कैसी जगह है सारी की सारी इमेजनरी मतलब इमेजनरी कर रहा है वो उनको डक जो है वो जमीन जो है मतलब आ, मतलब वो कहता है कि वो जमीन से मतलब यहाँ पर द डक वुड आल्सो देन बी फ्री वो फ्री होना चाहता है लैंड से और समुद्र से दोनों जगह पर जाना चाहता है फ्री होना चाहता है एंड डक उसे क्या करता है द डक ऑलमोस्ट प्लीड्स टू द कंगारू दैट द माइट एक्सेप्ट हिज विश वो उसे बड़े ही नर्म निवेदन से बात करता है मतलब बड़ी ही पोलाइटली से बात करता है और वो कहता है उसे कि क्या वह उसकी इच्छा पूरी कर सकेगा या करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जा पढ़ते हैं हम लोग सेट दी कंगारू टू द टू टू द डक दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन पर ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लैक मी लक एंड दियर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज

जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारे वहाँ पर जो पेन होता है दर्द होता है ठीक है उसको हम रूमैटिज कहते हैं हम इसको समझ सकते हैं जैसे गठिया दर्द होता है ठीक है हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं जब उनमें दर्द होता है तो उनको हम क्या कहते हैं रूमैटिज कहते हैं ठीक है थीके? समझ आ गया तो अभी हम इसको पढ़ते हैं इन द थर्ड स्टेंजर द कैंगारू टेल्स द डग दैट ही नीड्स सम टाइम टू थिंक अबाउट द मैटर ही रिफ्लेक्ट्स दैट दिस प्रपोजल माइट ब्रिंग हिम सम लक अब वो क्या होता है जो कंगारू मतलब अब डेक उनसे उसे क्या करता है दो स्टेंजा में रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे घूमना है मैं बोर हो गया हूँ तो देन क्या होता है कैंगारो से कहता है अब थर्ड स्टेंजा में कैंगारू बोलता है कंगारू डक से कहता है कि मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम दे और वो सोचता है और वो ये भी कहता है कि ये शायद उसके लिए क्या एक अच्छी किस्मत लेकर आया मतलब एक अच्छा लगे कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ मैं किसी को घुमा सकता हूँ ही रिफ्लैक्स This proposal might bring him some लाइक On the contrary, he thought that there was also a possibility that he might get एन वेल तब वो उसे बोलता है वो ये तो सोचता है कि ये अच्छी बात होगी मेरे लिए कि मैं इसको घुमा पाऊंगा लेकिन इसके अलावा भी ये सोचता है कि हो सकता है कि वो इसकी वजह से क्या हो जाए उसकी तबीयत खराब हो जाए या वो बीमार पड़ जाए या उसको रू मेटीज के क्या हो जाए बीमारी हो जाए समझ में आ गया ही सारी चीजें सोचता है। then duck को explain करता कि कि भाई उसमें क्या उसे बताता है कि डक जो तुम्हारे गीले ठंडे और जो पेड़ हैं, वो मुझे क्या कर सकते हैं द फिट द डक माइट मेक मी प्रे टू डिजीज लाइक रियोमेटिज्म वो क्या कर सकते हैं मुझे र्यूमेटिम्स जैसी बीमारी कर सकते हैं मतलब उसको बोलता है कि देख भाई मैं तेरे को घुमाने के लिए तैयार तो हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं तेरे को घुमा सकूँ लेकिन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि तेरे जो ठंडे पाँव हैं जो गीले पैर हैं जब तू तो मेरे पे बैठेगा तो हो सकता है कि मैं उससे क्या हो जाऊँ बीमार हो जाऊँ और मुझे र्यूमेटिज्म की क्या हो जाए बीमारी हो जाए बस ये एक डर था कैंगा को सो so, इन द फोर्थ स्टेंजर सेट द डक तब उसके बाद डक उससे क्या होता है एज आई सेट ऑन द रोग आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड अबाउट फोर पेयर्स फोर पेयर्स ऑफ वोस्टेड विच फिट माई वे फिट नीटली एंड टू कीप आउट द कोल्ड कोल्ड आई लिव अबाउट अ क्लॉक एंड एवरी डे अगार आई स्मोक ऑल टू फॉलो माई ओन दियर ट्रू लव ऑफ अ कैन गै इन द in this stanza the poet says a very beautiful line and that he explain wo kaise karte hain ki the duck spends some time sitting on the rocks meditating upon the nature of the problem ab jo batak hai वो जो duck है वो इस problem को बड़े ही ध्यान में रखते हुए मतलब सोचता think about more, मोर और एक पत्थर के ऊपर बैठकर सोचता है कि इसका क्या सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन हो सकता है सुन द डक वॉज एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन बहुत जल्दी क्या होता है बट जो डक है वो एक सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और वो क्या सॉल्यूशन होता है ही वेंट टू द कैंगरू वो कैंगरू के पास जाता है एंड टोल्ड हिम उसको बोलता है दैट ही वॉज अबाउट फॉर पियर्स ऑफ वुडन सॉक्स वो क्या करेगा वो चार जोड़ी गर्म जुराबे खरीदेगा एंड अ क्लॉक इन ऑर्डर टू कीप अवे द कॉल ठीक है और एक क्या करेगा यहाँ पर जो क्लॉक है बच्चों लॉन्ग थिक कोट है लाबाद इसको क्या कहते हैं लॉन्ग थिक कोट मतलब एक बड़ा सा कोट खरीदेगा मतलब उसको घूमना था तो वो बता रहा है कि भाई मुझे मैं जो मुझे क्या करना तुझे ठंड से नहीं मारना है वो चार जोड़ी जुराबे ख़रीदेगा ठीक है एकदम गर्म जुराबे होंगी वो एंड अ क्लॉक इन ऑर्डर टू कीप अवे द कोल्ड और एक बहुत बड़ा कोरसा खरीदेगा जिसे वो नीचे तक पहनेगा एंड देट ही वुड डेली स्मोक अ सिगार टू कीप हिम सेल्फ वार और वो डेली क्या करेगा स्मोक करेगा जिसकी वजह से वो क्या कर सके अपने आप को गर्म रख सके अंदर से एंड देयर बाय अवॉइड ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ कोल्ड और वो उन सारी चीज़ों को जो आपको क्या करेंगी कोल्ड से दूर रखेंगी ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने आप से दूर रखेगा समझ में आ गया सें जॉ फोर में जो कंगारू है वो डक्स डग जो है वो कंगारू से कहता है कि मैं चार जोड़ी जुराबे ख़रीदूंगा एक बड़ा सा कोट खरीदूँगा और गर्मी सॉरी सर्दी दूर भगाने के लिए वो रोज़ क्या करेगा सिगार पिएगा ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके समझ गए और वो कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो सम प्रॉब्लम्स हैं कोल्ड की वो दूर हों ठीक है मतलब ऐसा काम करेगा कि जितनी भी कोल्ड मतलब जैसे कोल्ड होता है ठीक है अवॉइड ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ कोल्ड उनसे उन, उन चीजों को क्या करेगा दूर रखेगा सर्दियों की प्रॉब्लम उसकी कोल्ड की समस्याओं को ठीक है समझ आ गया इन फाइव फिफ्थ स्टेंजर सेट द कैंगारू आई एम रेडी जब ये सारी बातें कैंगारू क्या होता है सुन लेता है डक उसको बताता है कि भाई मैं ये इस तरीके से करूँगा अपने आप को गर्म रखूँगा और जुड़ावे पहनूंगा तो कंगारू जो क्या होता हो है रेडी हो जाता है ऑल इन द मून लाइट पेल पेल बट टू बैलेंस मी वेल डी डक सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल सो अवे दे वेंट विद अब एंड अ बॉन्ड बाउंड And they hopped the whole world three times around. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. So, in these lines, the poet described the happiness experienced by the duck and the kangaroo. So, said the kang kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale. So, the kangaroo agreed to the solution offered by the duck. and but to balance me well dear duck sit steady and quiet at the end of my tail the kangaroo made the last warning asking the duck to balance himself well and ride at the end of the kangaroo's tail so away they went with a hop and a bound and they hopped uh, uh, the world the whole world three times around this way

ठीक है और जिससे क्या होगा और कहाँ पर बैठना बैलेंस बनाकर जो कैंगारू है उसकी पूंछ के किनारे पर बैठना होगा ठीक है और इस प्रकार से वो क्या करते हैं दोनों के दोनों खुश होते हैं और जो वर्ल्ड है उसके तीन चक्कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं का निश्चय करते हैं और दोनों खुशी से निकल पड़ते हैं सो स्टूडेंट्स इन दिस स्टोरी दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी रिटर्न बाय एडवर्ड लियर तो जो हमारे पास एडवर्ड लियर है ठीक है वो हमें क्या कहते हैं वो हमें बताते हैं इनका जो एक मॉरल है वो ये है कि दिस मॉरल ऑफ दिस पोइम इज फ्रेंडशिप इज अ वेरी प्रीसियस थिंग फ्रेंडशिप क्या है एक वेरी प्रीसी बहुत प्रीसियस थिंग है वी शुड नेवर चीट आवर फ्रेंड हमें अपने फ्रेंड के साथ कभी भी चीट नहीं करना चाहिए एंड ट्राई टू फुलफिल देयर विश और हमें उनके लाइफ को कैसी करनी चाहिए फुलफिल करनी चाहिए लाइक द कंगारू फुलफिल द डक्स विशेज द कैंगरो पुट सम कंडीशंस टू फिलफिल द डिश बट ऑल्सो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिज फ्रेंड हैप्पी तो हमें क्या करना चाहिए अपने दोस्त की दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए जिससे वो क्या हो सके हमारे द्वारा हैप्पी रह सकें ठीक है आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एट माई व्हाट्सएप नंबर ओके बच्चों थैंक यू